हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास फर्स्ट का इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 6 है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव बोलते हैं हम इसको, और ये होते हैं हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी कि ये हमें जो भी हमारी कोई भी चीज़ होती है उसके बारे में बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं हमें कि ये चीज़ कैसी है। ठीक है, जब भी हम किसी से पूछते हैं कि वो कैसा है, कैसी है, तो उसके बारे में हमें जब हमें आंसर मिलता है, जिस भी फॉर्म में हमें आंसर मिलता है, उसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं। सो चलिए कुछ सिंपल से इसके अंदर हमें सेंटेंस दिए हुए हैं उसको हम रीड करते हैं। दिस इज़ अ फैट चिकन। ठीक है, फैट चिकन। दैट इज़ एन एम्प्टी बॉक्स। एम्प्टी मीन्स क्या होता है, खाली बॉक्स। दीज आर न्यू बुक्स, ये जो बुक्स हैं ये नई हैं। माई शूज़ आर ब्लैक, मेरे शूज़ जो हैं वो कैसे हैं, काले हैं। दीज मैंगोज आर स्वीट, और ये जो मैंगो हैं ये स्वीट हैं, यानी कि ये मीठे हैं। अब देखिए इसके अंदर कुछ ये जो वर्ड्स हैं इनको रेड किया हुआ है, किस लिए ऐड किया हुआ है, क्योंकि ये हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं। अब ये हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैसे हैं, दिस इज़ अ फैट चिकन, ये जो चिकन है ये मोटी है। ये हमें कैसे पता लग रहा है कि ये चिकन कैसी है, ये चिकन मोटी है, तो फैट हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, नहीं तो हम बोल सकते दिस इज़ अ चिकन, ये चिकन है। ठीक है, अगर यहाँ पर भी बोलती मैं दिस इज़ अ येल्लो चिकन, सो ये क्या बताता हमें, अगर मैं यहाँ पर देती दिस इज़ अ येल्लो चिकन, तो ये कैसा चिकन है, येल्लो चिकन। तो येल्लो भी हमारा इस सेंटेंस के अंदर डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाता। ऐसे ही दैट इज़ एन एम्प्टी बॉक्स, ये जो बॉक्स है ये खाली है। ये बॉक्स कैसा है, ये बॉक्स खाली है। जब भी हम किसी से कुछ क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादातर हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं कि तुम कहाँ हो, मैं यहाँ पर हूँ। कहाँ पर हूँ कि मैं कमरे में हूँ, तो कमरा क्या हो जाएगा उस टाइम पे, हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा। ठीक है, दीज आर न्यू बुक्स, ये जो बुक्स हैं ये कैसी हैं, ये न्यू बुक्स हैं। दीज आर ओल्ड बुक्स, ये कैसी बुक्स हैं, ये पुरानी बुक्स हैं। तो ये हमें कैसे पता लग रहा है, ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं उनके थ्रू। इस में सब आप देख लिया, इसी तरीके से जैसे कि द वर्ड फैट डिस्क्राइबिंग वर्ड है वो डिस्क्राइब कर रहा है चिकन को, एम्प्टी डिस्क्राइब कर रहा है बॉक्स को, इसी तरीके से जो भी वर्ड्स होते हैं जिनको हमने ऊपर सेंटेंसेस में भी पढ़ा कि मैंगो जो है वो कैसा है, स्वीट है। मैंगो कैसा है, स्वीट है, तो वो हमें कैसे पता लग रहा है, क्योंकि हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के थ्रू ही हमें ये पता लग रहा है। अब एक एक्सरसाइज है, इस तरीके की सिंपल सी एक एक्सरसाइज आप बच्चों को लिख करके भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हॉट टी है, यहाँ पे आप कोल्ड टी कर सकते हैं या कोल्ड ड्रिंक कर सकते हैं। स्मॉल हाउस है, बिग हाउस कर सकते हैं। टॉल मैन है तो स्मॉल मैन कर सकते हैं, फैट मैन कर सकते हैं। न्यू शर्ट है, ओल्ड शर्ट कर सकते हैं। पिंक शर्ट कर सकते हैं। रेड फ्लावर है, सो आप यहाँ पे कोई और सा फ्लावर बना करके, उसकी कोई और पिक्चर करके, सो आप वो भी बच्चों को लिख करके दे सकते हैं। इस तरीके के वर्ड्स आप लिख करके दीजिए और फिर बच्चों को अंडरलाइन करने के लिए दे सकते हैं, इसी तरीके से सेम कि कौन से हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, बहुत ईजी होती है, इसको ज़रूर करवाइएगा। इसकी जितनी वर्कशीट्स हैं मैं आप सब आपके साथ में शेयर कर दूँगी। फिलहाल आप चैप्टर को ईजीली बच्चों को समझा दीजिए। थैंक यू।